पर लोकसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस ने भी एक नारा दे दिया है। दरअसल कांग्रेस का नारा है हाथ बदलेगा हालात, लेकिन क्या ये नारा हालात कांग्रेस के बदल पाएगा? क्योंकि एक तरफ बीजेपी का आपकी बार 400 पार का नारा है, इस बार मैं हूं मोदी का परिवार का नारा भी जनता के बीच में है। तो मध्य प्रदेश की अगर इतिहास को लेकर बात करें तो सियासत यहाँ की कुछ ऐसी रही है कि नारों से भी यहाँ सियासत पलट जाती है। तो अब कांग्रेस ने एक नया नारा दिया है और इस नारे को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। तो कांग्रेस का नारा होगा हाथ बदलेगा हालात, लेकिन बीजेपी के जिस तरह से दो नारे, अब की बार 400 पार का नारा और दूसरा नारा मैं भी हूं मोदी का परिवार, ये नारा लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने जो नारा दिया है ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ये नारा लोगों के बीच कितना पहुंचता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश की सियासत को नारों ने हमेशा प्रभावित किया है और कई ऐसे मौके आए हैं जब नारों से चुनाव का माहौल भी बदला है। लेकिन इस बार कांग्रेस का ये नारा कितना काम कर पाता है, क्या इससे सियासी फायदा पार्टी को मिल पाता है या नहीं, क्या सियासी फिजा में बदलाव ये नारा ला पाता है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन एक तरफ बीजेपी की तरफ से तमाम नारे दिए जा रहे, तो कांग्रेस की तरफ से भी अब एक नारा दिया गया है। तो 2024 में बीजेपी के नारे आप देख लीजिए कौन कौन से नारे। कांग्रेस का नारा देखिए, हाथ बदलेगा हालात, ये कांग्रेस ने नारा दिया है। लेकिन अब ये नारा किस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत में बदलाव ला पाता है, क्या इसके नतीजे रहेंगे, ये 2024 के चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की सियासत के इतिहास की बात की जाए तो कई दफा हमने देखा है, कई ऐसे मौके आए हैं जब नारे बीजेपी के लिए काम किए हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के लिए ये जो नारा इस बार कांग्रेस ने दिया है वो काम कर पाता है या नहीं। और ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी बता रहे हैं कि कब कब नारों ने मध्य प्रदेश की सियासी फिजा को बदला है। तो देखिए, तमाम जो चुनाव रहे उन चुनावों में आमतौर पर देखा गया जब बीजेपी ने कोई नारा दिया और लोगों के बीच में वो नारा प्रसिद्ध हुआ तो निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा मिला। कांग्रेस ने कोई नारा दिया, लोगों के बीच में अगर वो नारा सही से फिट हुआ तो वहां पर कांग्रेस को भी सत्ता में फायदा मिला है।